सबसे पहले रोज़ों की नियत का वक्त याद रखिएगा। जब आप इफ्तार करते हैं या इसी समझ लें पहला रोज़ा है, तो जैसे ही पिछले दिन की आप मगरिब ख़त्म होगी, रात स्टार्ट हो जाती है, आप पूरी रात में जब चाहें रोज़ों की नियत कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें किसी ने मगरिब के बाद रोज़े की नियत की, यानी इरादा है कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, पुख्ता इरादा है, और सो गया और सारी रात सोता रहा हत्ता कि फजर के बाद आँख खुली, तो इसका रोज़ा बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसने मगरिब के बाद नियत कर ली थी। और ये भी याद रखें कि फ़िक़्हे हनफी की रोशनी में अगर किसी के रात में आँख नहीं खुलती है, देर से आँख खुलती है, जैसे सुबह 7 बजे 8 बजे, तो जवाल से पहले पहले अगर आँख खुल जाए तो वो फ़ौरन रोज़े की नियत कर ले। लेकिन ये नियत ना करे कि अभी से रोज़ादार हूँ, बल्कि तुलुए फजर से नियत करे कि जब से रोज़ा स्टार्ट हुआ है मैं उस वक्त से रोज़ादार हूँ, इसका रोज़ा हो जाएगा। अब फ़र्ज़ कर लें अगर आप सुबह उठे और आपने भूले से कोई चीज़ खा पी ली, तो ये नियत की राह में रुकावट नहीं है, आप अब भी नियत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है कि मैंने रोज़ा रखना था, देर से आँख खुली है, आपने कहा चलो एक गिलास पानी पी लूँ फिर नियत कर लूँगा, फिर नहीं होगी क्योंकि आपने जानबूझकर पानी पी लिया और गोया कि रोज़ा तो स्टार्ट था, बस नियत हाजिर करनी है यहाँ पे, तो इसलिए फिर रोज़ा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि बाद